हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है, यदि आपको खुद पे भरोसा हो, यदि आपको खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुमकिन से आप निकल सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो उस प्रश्नावली को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, मतलब x+1 है। आप इस क्वेश्चन को अगर समझते हैं तो बोला है किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, बोल रहा है ना। तो बहुपद दिया हुआ है, यही ना बहुपद है, और x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों, है ना। तो यदि x+1 यदि इसका मान अगर इसमें रखेंगे बहुपद में, है ना, और इसका मान अगर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, यदि 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए हम लोग हल करते हैं और अच्छा से कोशिश करते हैं समझने का, है ना। माना कि बहुपद px=, क्या है देखिए, तो x³ + x² + x+1 हैं दिया हुआ है, और इसको मान लेते हम लोग gx, और gx=, मान लेते हम लोग x+1, ठीक है। अरे साइन देंगे हम लोग x का, x प्लस है उधर, क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ तक समझ में आप लोग आया। तो इसको हम लोग बहुपद मान लिए, माना कि बहुपद px = x³ + x+1 है, और आपको पूछा रहा है x+1 के गुणनखंड है कि नहीं है। तो x+1 को हम लोग कहाँ मान लिए, gx मान लिए, कहाँ मान लिए हम लोग gx। तो x+1 दिया हुआ है, x को छोड़ देंगे, प्लस है उधर, जा क्या बन जाएगा माइनस। आप लोग बताए थे ना इक्वल के जब भी उस तरफ जाता है ना, तो साइन उसका कहा जाता है चेंज होता है, लेफ्ट या राइट तरफ हो। इसलिए पी का पी यानी x मतलब क्या है -1 बराबर का बराबर, ध्यान दीजिएगा पी का पी, यहाँ पर x है ना, और x मतलब क्या आया है -1, यहाँ लिख देंगे -1 बराबर है, तो बराबर x मतलब -1 का क्यू, प्लस है तो प्लस, x मतलब क्या होगा -1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x मतलब क्या लिखेंगे -1 + 1। यहाँ तक आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा, क्या किए हैं x का मान रख दिए हैं, है ना। नेक्स्ट बार आप लोग बताए हैं ना, जब भी अगर विषम संख्या में, है ना, विषम संख्या में अगर माइनस हो, का हो माइनस हो, विषम संख्या मतलब देखिए पावर इसका क्या है विषम, है ना, तो हमेशा ये आएगा माइनस आएगा, याद रखना हमेशा क्या आ जाएगा माइनस। विषम संख्या में घात हो तो हमेशा का आएगा माइनस। उसी प्रकार से अगर सम संख्या में घात हो, है ना, तो का आएगा प्लस। अब सम और विषम मतलब क्या होगा ध्यान देंगे, मान लिया जाए जैसे x³ है तो क्या हो गया विषम हो गया, उसी प्रकार से हम लोग लिख देंगे x² लिख देंगे तो क्या बन जाएगा सम बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। यदि x³ है ना मतलब विषम संख्या में घात है तो हमेशा आएगा माइनस में, और अगर सम संख्या में घात है तो हमेशा आएगा प्लस में, बात याद रखना है ना। अब ध्यान देंगे 1 × 1 × 1 कितना होगा 1 होगा कि नहीं 1, और हम क्या बता दें आप लोग को विषम संख्या में अगर घात हो तो आंसर आएगा माइनस में, याद रखना है ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब फिर देखिए 1 × 1 × 1 तो क्या आएगा 1, ध्यान देंगे 1 × 1 बराबर क्या आएगा 1,
और क्या बता दें हम लोग, सम संख्या मगर घात हो तो आंसर आएगा प्लस में, तो लिख देंगे प्लस, ऑलरेडी प्लस है। फिर ध्यान देंगे प्लस है तो प्लस अब ब्रैकेट वन प्लस वन, यहाँ तक भी आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वन को तीन बार लिखेंगे, वन गुना वन गुना वन कितना आया वन, और बताए ना अगर पावर अगर विषम संख्या हो है ना तो आंसर आएगा माइनस में, प्लस है तो प्लस। वन को दो बार लिखेंगे, वन गुना वन तो क्या आएगा बाबू वन, अब माइनस है ना का पावर क्या है मतलब सम है, तो सम तो क्या आएगा प्लस में, इसलिए प्लस आ गया वन। फिर ध्यान देंगे प्लस है तो प्लस माइनस वन, प्लस है तो प्लस वन का वन, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। माइनस वन प्लस है तो प्लस, वन है तो वन, प्लस और माइनस बताएं आप लोग को, जब भी हम लोग अपोजिट साइन को गुना करते हैं तो हमेशा आता है माइनस में, बता दिए हैं प्लस है तो प्लस, वन है तो वन। फिर ध्यान दीजिए माइनस वन प्लस का प्लस, वन का वन, प्लस और माइनस अपोजिट साइन जब भी गुना होगा तो माइनस आएगा, वन का वन और प्लस है तो प्लस, वन है तो वन, यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा है ना। तो माइनस और प्लस का हो गया कट गया, अरे को इधर माइनस अरे को प्लस इधर का हो गया कट गया, तो आंसर का आएगा जीरो, तो आंसर क्या आएगा जीरो। अतः क्या लिखना हमको, बहुपद है ना पी एक्स इजकल टू क्वेश्चन उतरा देंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का गुणनखंड है, गुणनखंड है, अब लोग क्या हो जाता है आंसर। ध्यान देंगे अगर यदि इसका मान अगर जीरो आएगा तो गुणनखंड होगा, और जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या टू को हल करते हैं। तो माना कि बहुपद पी एक्स इजकल टू क्या है एक्स के पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही लिखा हुआ है। और जी एक्स इजकल टू का मान लेते हम लोग एक्स प्लस वन, ये साइन देंगे एक्स का एक्स प्लस उधर देखा बन जाएगा माइनस बन जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे, इसलिए पी का पी, अब ध्यान दीजिएगा पी का पी और एक्स, एक्स मतलब क्या है माइनस, तो लिख देंगे माइनस वन बराबर है तो बराबर, एक्स मतलब माइनस वन के पावर फोर प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन के पावर क्यू प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन और स्क्वायर प्लस एक्स मतलब माइनस वन प्लस वन, यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए पी का पी, एक्स मतलब माइनस वन बराबर का बराबर, एक्स मतलब माइनस वन के पावर फोर प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन क्यू है तो क्यू प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन और प्लस है तो प्लस, वन है तो वन, क्लियर। अब ध्यान देंगे हम बताए ना कि माइनस वन को चार बार लिखेंगे है ना, चार बार लिखेंगे ध्यान देंगे, फिर से लिख देंगे वन बार, एक दो तीन चार, वन 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 गुना करेंगे कितना बाबू वन आएगा। अब बताएं क्या इसका पावर का है, सम है कि विषम है, सम में, और सम किसको कहते हैं जो दो टेबल में आता है, तो बताए ना सम संख्या अगर घात हो तो आंसर आएगा प्लस में, तो आ गया प्लस में, प्लस है तो प्लस। और वन को तीन बार लिखेंगे है ना, कैसे लिखेंगे वन गुना वन गुना वन कितना आ गया वन, इसका घात कितना है मतलब विषम में है, मतलब दो टेबल में नहीं आता है, तो घात अगर विषम हो तो आंसर आएगा माइनस में, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से प्लस है तो प्लस, और वन को दो बार लिखेंगे वन गुना वन तो क्या आएगा वन,
और इसका पावर का है 2, यानी सम संख्या है इसलिए प्लस रहेगा, प्लस है तो प्लस, अब माइनस 1 पर प्लस 1 ध्यान देंगे। इसको क्या किया है, 1 को 4 बार लिखे, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आया 1, अब पावर सम संख्या है इसलिए आंसर आया प्लस में, प्लस है तो प्लस, 1 को 3 बार लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1 क्या आएगा 1, अब पावर विषम है इसलिए माइनस में, प्लस है तो प्लस, 1 दो बार लिखेंगे 1 गुना 1 तो 1, अब पावर का है सम में इसलिए आंसर आया प्लस में, प्लस का प्लस माइनस का माइनस 1 का 1, कितना आसान है ना, 1 का 1। फिर से बताएं, अपोजिट साइन गुना होगा तो हमेशा आएगा माइनस 1 का 1, प्लस है तो प्लस 1 का 1, है ना, अपोजिट साइन गुना होगा, क्या होगा, अपोजिट साइन गुना होगा तो आएगा माइनस 1 का 1, प्लस है तो प्लस 1 का 1, ध्यान दीजिएगा 1 का 1 प्लस माइनस माइनस 1, प्लस है तो प्लस 1 का 1, फिर से अपोजिट साइन होगा गुना तो माइनस 1, प्लस है तो प्लस 1 का 1, माइनस प्लस कट गया, फिर से माइनस प्लस कट गया तो बचा क्या 1, अब यहाँ 0 आता ना तो गुणनखंड होता, लेकिन क्या आया है 1, तो क्या लिखेंगे, अतः बहुपद पी एक्स इजकल टू, क्वेश्चन करा दीजिए, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 इंटू एक्स पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1 का, है ना, क्या लिख देंगे गुणन खंड नहीं है, यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न 1 का 3 को भी हल करते हैं, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि बहुपद पी एक्स इजकल टू क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, है ना, और जी एक्स इजकल टू क्या मान लेते हैं एक्स प्लस 1, इसी का ना गुणनखंड पूछा गया है, ये साइन देंगे एक्स का एक्स प्लस था उधर जगह बन जाएगा माइनस, है ना, इसलिए पी का पी, पी का पी एक्स मतलब क्या आया है माइनस 1, बराबर है तो बराबर, एक्स मतलब क्या होगा माइनस 1 का पावर 4 प्लस है तो प्लस 3 इंटू माइनस 1 का पावर क्यू प्लस है तो प्लस 3 का 3, है ना, इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, फिर एक्स मतलब माइनस 1 प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, ध्यान दीजिएगा एक्स मतलब माइनस 1 का पावर 4 प्लस है तो प्लस, है ना, 3 का 3 एक्स मतलब माइनस 1 क्यू प्लस है तो प्लस 3 का 3 एक्स मतलब माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का प्लस एक्स मतलब माइनस 1 और प्लस 1, है ना। फिर से बताया था ना, अगर 1 को 4 बार लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा 1 आएगा, और इसका पावर क्या है सम संख्या इसलिए आंसर आएगा प्लस में, बता दें ना, अगर सम संख्या में घात हो तो क्या होगा आंसर प्लस में, फिर से प्लस है तो प्लस 3 है तो 3, है ना, अब ध्यान देंगे 1 के पावर क्यू 1 गुना 1 गुना 1 तीन बार लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा 1, तो लिख देंगे 1, अब पावर क्या है विषम संख्या इसलिए लिखेंगे माइनस 1, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू 1 के 1 को दो बार लिखेंगे 1 गुना 1 क्या आएगा 1, अब पावर का है सम संख्या इसलिए आंसर आएगा प्लस में, प्लस है तो प्लस अब ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 1, आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना, रिपीट कर रहे हैं 1 के पावर 4 तो 1 को 4 बार लिखेंगे कितना आ गया 1, पावर का है प्लस मतलब सम संख्या है तो इसलिए आंसर आएगा प्लस में, प्लस है तो प्लस 3 का 3 1 को 3 बार लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1 तो 1, अब पावर विषम है इसलिए माइनस में, प्लस है तो प्लस 3 का 3 1 को दो बार लिखेंगे तो कितना आएगा 1, अब पावर सम है इसलिए प्लस में, प्लस है तो प्लस माइनस 1, इस तरह से अगले बार
वन का वन, अपोजिट साइन ध्यान देंगे, एगो प्लस और एगो माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में। थ्री को वंस करेंगे, थ्री प्लस है तो प्लस, थ्री को वंस करेंगे तो थ्री है ना, फिर से अपोजिट साइन गुना होगा तो माइनस वन, प्लस है तो प्लस, वन है तो वन। यहाँ तक समझ में आप लोग आ गया होगा। अब ध्यान देंगे, एक माइनस और एक प्लस कट गया, ये भी प्लस ये भी माइनस कट गया, तो बचा क्या वन, तो जीरो नहीं ना आया, तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बहुपद पी एक्स इजकल टू, क्वेश्चन उत्तर आ दीजिए, एक्स का पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है, यहीं आप लोग का हो जाता है आंसर, है ना, मतलब एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है, है ना। तो चलिए हम लोग फोर को हल करते हैं। माना कि बहुपद पी एक्स इजकल टू का लिखा हुआ, देखिए एक्स का पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू, बगल में क्या है एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। यहाँ तक आप लोग आसानी से समझ में आ गई, तो क्वेश्चन ही है। अब क्या करेंगे ध्यान देंगे, और जी एक्स इजकल टू का लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, ये साइन देंगे एक्स का एक्स प्लस है ना, तो दर्जा का बन जाएगा माइनस, तो इसलिए पी का पी, एक्स मतलब क्या आया है माइनस वन, बराबर है तो बराबर, एक्स मतलब माइनस वन के पावर क्यू माइनस एक्स मतलब माइनस वन का लिखेंगे हम लोग माइनस वन का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, टू का टू प्लस रूट टू इंटू एक्स मतलब माइनस वन प्लस रूट टू, ध्यान दीजिएगा एक्स मतलब माइनस वन, क्यू का क्यू माइनस है तो माइनस, एक्स मतलब माइनस वन स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू, फिर बगल में एक्स है ना, मतलब माइनस वन प्लस का प्लस रूट टू। ध्यान देंगे वन को तीन बार लिखेंगे, वन गुना वन गुना वन क्या आएगा, वन पावर का है विषम में, इसलिए आंसर आएगा माइनस, माइनस है तो माइनस। वन को दो बार लिखेंगे, वन गुना वन क्या आएगा वन, अब पावर का है सम में, इसलिए रहेगा प्लस में, मतलब ये अपना माइनस तरीका हो जाएगा प्लस, माइनस है तो माइनस, टू प्लस रूट टू है ना, फिर क्या लिख देंगे माइनस वन प्लस है तो प्लस रूट टू, मतलब क्या हटाए हैं पहले पावर हटाए हैं, याद रखना है ना, देखिए पावर हटा दिए, पावर हटा दिए बाकी छोड़ दिए, तो माइनस वन माइनस वन, इसको जब गुना करेंगे तो ध्यान देंगे माइनस का माइनस है ना, अब ब्रैकेट में ध्यान देंगे, इसको जब गुना करेंगे तो बन जाएगा माइनस टू माइनस रूट टू बनेगा ना, और प्लस रूट टू ध्यान देंगे माइनस वन को इससे करेंगे तो माइनस टू प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस, फिर से बन जाएगा रूट टू और प्लस है इस तरह। नेक्स्ट बार माइनस वन, फिर से माइनस वन, आप माइनस को ब्रैकेट वाला से गुना करेंगे है ना, फिर माइनस माइनस प्लस टू का टू, फिर से माइनस माइनस प्लस रूट टू प्लस है तो प्लस टू का टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोग लग रहा होगा, तो माइनस वन माइनस वन, माइनस को है ना अभी छोड़ दिए हैं, देखा माइनस छोड़ दिए हैं ना इस साइड से, माइनस किससे गुना किए तो माइनस टू, फिर से प्लस किए तो माइनस रूट टू, फिर प्लस इस तरह से। नेक्स्ट बार माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस टू का टू, फिर से माइनस माइनस प्लस रूट टू प्लस इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस टू प्लस टू और टू कितना बन जाएगा, फोर ना बन जाएगा, फोर प्लस है तो प्लस रूट टू, ध्यान दीजिएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और दो जोड़ देंगे चार, अब प्लस रूट टू। नेक्स्ट बार अब इसमें घटा देंगे टू में, यानी फोर में टू घटा देंगे तो बचेगा टू प्लस है तो प्लस रूट टू, यही हो गया है ना।
तो जीरो नहीं आया, तो जीरो नहीं आया तो क्या लिख देंगे, अतः बहुपद पी एक्स इजकल टू का एक्स का पावर क्यू प्लस माइनस है ना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू एक्स प्लस वन का गुणन खंड नहीं है। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया होगा है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या टू को हम लोग हल करते हैं ना। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हम लोग प्रश्न संख्या वन में ही सीख चुके हैं कि गुणनखंड है ना है या नहीं है। हम क्या बताए थे, यदि आंसर जीरो आएगा तो गुणनखंड होगा, यदि आंसर जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, बताए ना। तो हाल में हम लोग लिखेंगे पी एक्स इजकल टू टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन है ना। चूंकि जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन है ना, ये साइन देंगे एक्स का एक्स प्लस उधर जगह बन जाएगा माइनस। फिर से का बोला गुणनखंड पर में लागू करके बताना है ना, इसलिए पी का पी फिर से माइनस वन रख देंगे। फिर से ध्यान देंगे पी का पी एक्स मतलब माइनस वन बराबर है तो बराबर, टू का टू एक्स मतलब माइनस वन का क्यू प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, टू का टू इंटू माइनस वन माइनस वन। ध्यान दीजिएगा टू का टू एक्स मतलब माइनस वन क्यू है तो क्यू प्लस है तो प्लस, एक्स मतलब माइनस वन स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस है तो माइनस, टू का टू एक्स मतलब माइनस वन फिर माइनस वन। बताए थे ना आप लोग को मैथ इतना आसान हो जाएगा ना, क्या बताया था आप लोग को पानी पानी हो जाएगा है ना, मतलब आसान आसान हो जाएगा, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। टू का टू अब फिर से बताया वन का पावर तीन बार, वन को तीन बार लिखेंगे वन गुना वन गुना वन तो आएगा वन, अब पावर का है विषम में इसलिए आंसर आएगा माइनस, प्लस है तो प्लस, वन को दो बार लिखेंगे वन गुना वन तो आएगा वन, अब पावर का है सम में इसलिए आंसर आएगा प्लस में, माइनस टू इंटू माइनस वन माइनस वन, पहले पावर हटा लेना है। बताए थे ना ध्यान देंगे यदि एक्स पावर थ्री है, यदि घात विषम है तो आंसर आएगा माइनस में, यदि एक्स पावर टू अगर घात सम में है तो आंसर आएगा प्लस में, बताए थे ना। तो इसका घात अभी सम है इसलिए आंसर आया माइनस में, प्लस का प्लस घात सम में इसलिए आंसर आया प्लस में, माइनस टू माइनस वन माइनस वन। टू को वंस करेंगे यानी माइनस वन को अपोजिट साइन, माइनस टू प्लस है तो प्लस वन का वन। फिर से ध्यान देंगे माइनस और माइनस गुना होगा सेम साइन, जब भी गुना होगा तो आंसर आएगा प्लस, टू का टू माइनस का माइनस वन, बताए थे ना। जब भी अपोजिट साइन गुना होगा तो हमेशा माइनस, और जब सेम साइन गुना होगा तो हमेशा प्लस है ना। ध्यान देंगे माइनस टू प्लस टू कट गया, फिर से प्लस वन और माइनस वन कट गया तो आंसर का आ गया जीरो। तो क्या होगा पी एक्स जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, अतः लिख देंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर, ठीक है समझ में आ गया। प्रश्न संख्या टू का टू हल करते हैं ना।
हाल हम लिखेंगे पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। देखिए तो जी एक्स इजकल टू का दिया हुआ है एक्स प्लस टू दिया हुआ है ना, ये साइन देंगे एक्स का एक्स प्लस होता है जगह बन जाएगा माइनस बन जाएगा फिर से, इसलिए पी का पी एक्स मतलब माइनस टू बराबर है तो बराबर एक्स मतलब माइनस टू क्यू प्लस है तो प्लस थ्री का थ्री फिर से माइनस टू स्क्वायर प्लस है तो प्लस थ्री है तो थ्री फिर से माइनस टू प्लस वन, मतलब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस टू रखना है हो गया। फिर से बताइए टू के पावर क्यू मतलब टू इंटू टू इंटू टू मतलब क्या होगा आठ होगा, बताएं पावर विषम में है तो माइनस है ना। फिर से बताइए प्लस है तो प्लस थ्री और दो को पावर दो तो दो इंटू दो बराबर होगा चार तो लिख देंगे चार, पावर सम में है इसलिए आएगा प्लस में मतलब गुना कर दी प्लस है तो प्लस थ्री का थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन, पहले पावर हटाना है ना बाकी सेम छोड़ देंगे तो बनेगा माइनस आठ प्लस है तो प्लस तीन चौके बारह। फिर ध्यान देंगे प्लस माइनस माइनस तीन दूना छः प्लस वन कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे हम बताए थे ना कि प्लस प्लस को हम लोग जोड़ते हैं और माइनस माइनस को भी जोड़ते हैं और लास्ट में अपोजिट साइन घटा देते हैं, तो माइनस आठ और माइनस छः तो माइनस चौदह प्लस बारह प्लस वन तो प्लस तेरह और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन, अपोजिट साइन का होगा हमेशा घटेगा चौदह का साइन का है माइनस इसलिए आएगा वन। तो ध्यान देंगे अतः क्या लिखा हुआ है जी एक्स पी एक्स का एक गुणन खंड नहीं, यहीं पर आप लोग का आ जाता आंसर क्यों नहीं है, आंसर का आया माइनस वन, जीरो आता तो गुणनखंड होता और जीरो नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। हम लोग प्रश्न संख्या टू का हम लोग थ्री को भी हल करते हैं कितना आसान है, तो पी एक्स इजकल टू एक्स का पावर क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स है ना, जी एक्स इजकल टू का दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री दिया हुआ है, ये साइन देंगे एक्स का एक्स अब माइनस उधर जगह आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सेम प्रश्न को हल कर रहे हैं हम लोग बार बार। पी का लिख देंगे पी और यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स एक्स मतलब क्या आया है थ्री बराबर है तो बराबर एक्स मतलब थ्री के पावर थ्री माइनस फोर इंटू थ्री के पावर टू प्लस का प्लस एक्स मतलब थ्री प्लस सिक्स, ध्यान दीजिएगा एक्स मतलब थ्री पावर थ्री माइनस है तो माइनस फोर का फोर एक्स मतलब थ्री स्क्वायर प्लस एक्स मतलब थ्री प्लस सिक्स। नेक्स्ट बार तीन को तीन बार लिखेंगे, तीन को कितना बार लिखना है हमको तीन बार लिखना है, देखिए तो तीन गुना तीन गुना तीन तो क्या बन जाएगा सत्ताईस, देखिए तीन का पावर तीन तो तीन तिया नौ तिया सत्ताईस माइनस है तो माइनस फोर इंटू तीन का पावर दो बार तीन गुना तीन तो बराबर कितना होगा नौ ना छः नहीं कर देना है नौ प्लस है तो प्लस थ्री प्लस सिक्स। नेक्स्ट बार सत्ताईस है तो सत्ताईस माइनस चार नवा छत्तीस प्लस का प्लस थ्री का थ्री प्लस सिक्स, यहाँ तक भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे प्लस प्लस को जोड़ देंगे सत्ताईस और तीन तीस और छः छत्तीस फिर से माइनस छत्तीस और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो अतः क्या लिख देना है जी एक्स पी एक्स का
एक गुणनखंड है। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी बिल्कुल आप लोग का फनी समझ में आ गया होगा। अरे वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SF एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय बच्चों।